तुम्हारी क्या औकात पैरिया साहब आपके अपने घर जाए? आप पैर साहब के चरणों की धूल भी नहीं है। आप जय भीम साथियों, मैं रवि कुमार गौतम युवा सखी दल से आप सबके बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी करी, पैरियार साहब पर टिप्पणी करी, और शायद जो बाबा साहब ने कहा था ना कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया, ऐसे ये रामदेव है। संविधान को पढ़ करके, संविधान के मुताबिक, संविधान का लाभ लेकर के आज पूरे विश्व में अपना बिजनेस चला रहे हैं। और साथियों, आज उन्हीं बाबा साहब पर ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए कि बाबा साहब पैरियार साहब पर टिप्पणी करने का क्या मतलब है इन लोगों का। और मैं खासकर रामदेव से कहना चाहता हूं कि आपके प्लांटों में, आपकी कंपनियों में, आपके कारखानों में बहुजन समाज काम करता है, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अल्पसंख्यक काम करता है। या तो आप जो आपने अपशब्द बहुजन समाज के संगठनों को, बाबा साहब को, पैरियार साहब को, बिरसा मुंडा को, ललित यादव को, सर छोटू राम को और सारे मीर भोज को गए हैं, उन सब के लिए आपको गलती माननी पड़ेगी। अन्यथा जैसे आपने हमारे बामन मेसराम साहब को, हमारे परिवार के बड़े भाई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम एक बार नहीं एक लाख बार कहेंगे जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। आपकी औकात क्या है इस बात को कहने के लिए कि आप लोगों ने के वो जो है जातिवाद फैला रहे हैं? जातिवाद आप फैला रहे हैं। जब आपका नाटक आया उसमें आपने देखा होगा आपने कैसे पिछड़ों को रखा जाता था मनुवादी विचारधारा के तहत, और आपने वो महसूस किया। और आज तुमने उनकी बोली बोलने काम कर रहे हैं, वो दिन भूल गए आप जब दिल्ली के जंतर मंतर से आप लोग सूट सलवार पहन कर भागे थे। वो सूट सलवार किसके थे? वो दलित बहन बेटियों के थे जिन्हें तुमने देने का काम किया। लेकिन जैसे बीजेपी सरकार केंद्र में आई तुमने अपना धोरा चेहरा दिखाना काम किया। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी रामदेव के प्लांट पूरे विश्व में चल रहे हैं, जो जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये वही लोग हैं साथियों जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। तो सभी समाज के लोग इसके कारखानों में, इसकी फैक्ट्रियों में, इसके ऑफिसों में बहिष्कार करें, काम बंद करें जब तक ये रामदेव गलती नहीं मानता। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से। साथियों, आप देख लीजिए, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखों को दिया, तो साथियों ये 85% की विचारधारा रामदेव के अंदर नहीं है। ये अपने आप को बहुजन समाज का हिस्सा नहीं मानता, ये साथियों अपने आप को शुद्ध नहीं मानता। जब हमारे सपा परिवार के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बात को स्वीकारा कि आज इन्होंने लखनऊ में जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तो उसका शुद्धिकरण कराया, तो उन्हें एहसास हुआ कि मैं शूद्र हूं। अरे रामदेव की क्या औकात कि अपने आप को शूद्र ना माने और अपशब्द बोलने काम करे। मैं चिताना चाहता हूं रामदेव को कि आप पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होगा, आपको गलती माननी पड़ेगी। अन्यथा ऐसा ना हो कि जो बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके तुम लोगों ने बिजनेस बनाए हैं वो बिजनेस धनाशाही ना हो जाए आपके। हमने आपका सम्मान किया, लाखों करोड़ों लोग आपके शिविर में जाते हैं, कैंप लगाते हैं, और आप बाबा की आड़ में खिलवाड़ करते हैं। आपने जो भगवा पैर रखा है वो चीवर तथागत गौतम बुद्ध भगवान के कलर से मेल खाता है, आपने उसका भी सम्मान नहीं रखा। किस बात की आप में अकड़ है, किस बात का आप में गरूर है? वो चंद मुट्ठी भर लोग आप उनकी गुलामी करते हैं। हम 85% मूल निवासी अगर आपका प्रोडक्ट ना खरीदें तो आप रोड पर आ जाओगे। हम इसलिए खरीदते हैं कि एक हमारा बहुजन समाज का साथी, एक हमारा सूत्र भाई इंटरनेशनल लेवल बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है। हम जानते नहीं है लेकिन फिर भी हम चुप रहे। लेकिन आपने तो बाबा साहब पर टिप्पणी कर दी, क्या औकात है आपकी, क्या हैसियत है आपकी जो आप बाबा साहब पर टिप्पणी कर दें? तो मैं कहना चाहता हूं, ये आपने पहले भी कहा था, हम बर्दाश्त कर गए, लेकिन हम समाज को जोड़ना चाहते हैं। हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं हम जानते हैं, हमारे लिए एक एक आदमी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अपने महापुरुषों का, तुम्हारी क्या औकात पैरियार साहब पर आप टिप्पणी कर जाए? आप पैरियार साहब के चरणों की धूल भी नहीं है, आप बाबा साहब के नखून की औकात नहीं है तुम्हारी। और जो आप सेलिब्रिटी में घूमते हैं तुम्हें औकात नहीं तुम्हारी बैठेगी कहीं भी, आपके आगे मटका पीछे झाड़ू होती थी, आज जो भी देन है बाबा साहब की देन है। तो मैं रामदेव जी आपको चिताना चाहता हूं कि या तो आप जल्दी ही गलती माने, अन्यथा ऐसा ना हो अगर कहीं आप युवा सखी दल की टीम के हत्या चढ़ गए, आपका मुंह काला होगा, बहिष्कार होगा, और शुरुआत हरिद्वार के रुड़की से होगी, तुम्हारे जहां कारखाने प्लांट हैं और जितने भी हमारे बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के खासकर लोग हैं वो सब इनके ऑफिस में।
सफाई करना बंद करें, इनके प्लांट में जाना बंद करें, इनके कारखाने बंद करें। और साथियों एक तरह परचेज है, 7 दिन के अंदर अगर बाबा रामदेव गलती नहीं मानते हैं तो युवा शक्ति दल की पूरी टीम उत्तराखंड से जाकर के साथियों एक पैदल मार्च करेगी और दिल्ली के लिए कूच करेगी, उन्हें झुकाने काम करेगी। हम बाबा साहब पैरिया साहब व सभी महापुरुषों का अपमान नहीं सह सकते और ऐसे कतारों का इलाज किया जाएगा। जय भीम, नौ बुद्धाय, जय बहुजन समाज।